नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन के अंदर कई बार ऐसा पल आता है कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने वाले कुछ लोग ऐसे जो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें समझते हैं, वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे किए हुए कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, वो हमारे पास का आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको दूषित करने की कोशिश करते हैं, उसको स्ट्रेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं। और उनका एक उद्देश्य होता है कि वो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें नीचा दिखाए, हमारी बुराई करें, और इस तरह का जो एनवायरनमेंट जो बना लेते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और कई बार हमारी नींद उड़ जाती है, सरदर्द होने लग जाता है, घबराहट होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, हम झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, टिट फॉर टैट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जब कोई इंसान हमारी बुराई कर रहा है, हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहा है, तो उस कंडीशन में हम धैर्य कैसे रखें? हम एक जो हमारी एक बहुत ही पावरफुल वेपन है हमारे पास, धैर्य है, उसको धैर्य को कैसे बनाए रखें? दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ में। एक बार क्या है कि एक नदी के किनारे एक साधु, मतलब सात्विक साधु, जो एक नदी के किनारे टहल रहे थे, तो उसने देखा कि नदी का बहाव बहुत तेज है और नदी के किनारे के पास में एक बिच्छू है, वो उस नदी के किनारे की तरफ जा रहा था, और जैसे ही वो मतलब बिच्छू है उस नदी के अंदर डूबने वाला था, तो साधु ने अपने हाथ में उस बिच्छू को उठा लिया। जैसे ही साधु ने बिच्छू को अपने हाथ में उठाया तो उस बिच्छू ने क्या है, उस साधु के हाथ पे काट लिया। काटने से वहां पे उनके ब्लड आने लग गया, खून आने लग गया। साधु ने जल्दी ही अब उस बिच्छू को नदी के दूसरे मतलब उस पास में दूर मतलब उसको उतार दिया कि इस नदी के अंदर ये बिच्छू बह न जाए। लेकिन बिच्छू दोबारा से उस नदी की तरफ बहाव की तरफ ही चलने लग गया। साधु ने फिर सोचा कि कहीं ना वापस ये इसमें बह न जाए, तो साधु ने दोबारा उस बिच्छू को उठाया और दूसरी तरफ करने लग गया। जैसे वो उतारने लगे तो बिच्छू ने फिर से उसके हाथ में काट लिया और फिर ब्लड आने लग गया। फिर बिच्छू वहीं वापस तीसरी बार जाने लग गया तो साधु फिर उठा के और उसको दूर छोड़ दिया कि ये बह न जाए, नदी का बहाव बहुत तेज है, अगर बिच्छू उसके अंदर गया तो उसके अंदर बह जाएगा। ये सारी जो घटना है एक पास में खड़ा हुआ व्यक्ति देख रहा था और उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने उस साधु से आके पूछा कि गुरुजी, आप बार बार इस बिच्छू को उठा के उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो कि ये नदी में बह न जाए, लेकिन बिच्छू आपको हाथ को काट रहा है और आपके ब्लड आ रहा है, फिर भी आप बार बार उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो साधु ने जवाब दिया कि इस दुनिया के अंदर दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक प्रकार का व्यक्ति होता है सज्जन, जिसकी सोच अच्छी होती है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, इसके इमोशंस अच्छे होते हैं, उसकी थिंकिंग अच्छी होती है और वो हमेशा अच्छे कार्य करता है। और एक व्यक्ति होता है दुर्जन, वो हमेशा गलत सोचता है, गलत कार्य करता है, उसके कर्म गलत होते हैं, उसकी सोच भी गलत होती है, उसका परसेप्शन गलत होता है। तो ये जो बिच्छू है ये एक इसका स्वभाव ही डंग मारना है और इसलिए ये दुर्जन प्रवृत्ति का बिच्छू है, और मैं चूंकि साधु हूं तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं किसी की जान बचाऊं। तो दोस्तों, यही सारी अपनी दुनिया के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर भी हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक सज्जन और एक दुर्जन। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी बुराई कर रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, आपके कार्य किए हुए कार्यों को सही कार्यों को गलत ठहरा रहा है, इसका मतलब है कि वह सज्जन व्यक्ति नहीं है। और चूंकि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमारे मन के अंदर शांति रखनी है, हमें पीस रखनी है और हमें दुर्जन नहीं बनना है, हमें सज्जन व्यक्ति की तरह कार्य करना है, तो हमारे अंदर हमें उसके प्रति, उसके किए हुए कार्यों के प्रति, उसके कर्मों के प्रति हमें धैर्य रखना होगा। हम उसको टिट फॉर टैट नहीं कर सकते, उसको वैसा ही उसके लिए बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप भी उसके वैसा ही बोलने लग जाओगे तो आप भी सज्जन व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रहेंगे। तो इस कंडीशन में जब कोई दुर्जन व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ बोलता है, आपके किए हुए कार्य को गलत ठहराता है, आपकी बुराई करता है, आपकी पीठ पीछे से आपकी बुराई करता है, इन्वायरमेंट को दूषित करता है, स्ट्रेसफुल बन जाता है, तो उस कंडीशन में आप धैर्य कैसे रखें? दोस्तों, सेम उस स्टोरी की तरह आपको सज्जन व्यक्ति की तरह आपको धैर्य को बनाए रखना है, और उस धैर्य को बनाने के लिए आपको अपने कर्म, अपने किए हुए कार्य, वो अपने सच्चे मन से, और वही सारी चीजें जो आपके अंदर परोपकार की भावना है, एक मानवता की भावना है, एक अच्छी भावना है, उसके तरफ उस कार्य को करते रहना है, तुरंत कंटिन्यू उस कार्य को करते रहना है और आपको अपना धैर्य बनाए रखना है।
धैर्य बनाए रखने के लिए दोस्तों एक ऑटो सजेशन नाम की टेक्निक है, वो आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल माहौल में रहो, आपका सर दर्द कर रहा है, घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही, गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति के प्रति, तो सुबह शाम और दोपहर में भी जब भी आपका मन शांत हो तो आंख बंद करें, आंख बंद करके बॉडी को रिलैक्स करें और रिलैक्स करके अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऑटो सजेशन दें कि वह दुर्जन व्यक्ति है, उसके जैसा कार्य मुझे नहीं करना, मुझे मेरे व्यवहार से, मुझे मेरे कर्म से, मुझे कार्य करना है और कार्य करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उससे उसको जवाब देना है। अगर ये टेक्निक, रिलैक्सेशन टेक्निक को आप रोज अपनाते हैं और बिल्कुल शांत होके लेट के आंखें बंद करके बॉडी को रिलैक्स करके अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में समझाते हैं कि मुझे अच्छे कार्य करना है, मुझे रिलैक्स रहना है और पॉजिटिव चीजें अपने बारे में अपने माइंड को समझाएंगे, तो आपकी बॉडी और माइंड आपका धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आपका जो धैर्य है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों धैर्य बढ़ाने के लिए पेशेंस रखें, सात्विक जो चीजें हैं वो खाइए और अपने मन को शांत रखिए, पॉजिटिव ऑटो सजेशन दीजिए और दुर्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार न करिए। जब आपके अंदर सज्जनता होगी तो आप अपना अपना जो धैर्य है वो अपने कर्म से, अपने कार्यों से बिल्कुल आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।